वर्सेस गरीब का ब्यूटी पार्लर। गंगापुर गांव में पूर्वी और रचना नाम की दो सहेलियां रहा करती थी और उन दोनों को ही बचपन से मेकअप करने का बहुत ही शौक था। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच अमीरी और गरीबी को लेकर एक बहुत ज्यादा फर्क था, क्योंकि पूर्वी एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसकी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और उसी से पूर्वी के घर का गुजारा हुआ करता था। वही रचना गांव के मुखिया की बेटी थी जिसके पास बहुत सारा पैसा था और इसी वजह से रचना को भी अपने अमीर होने पे बहुत ही ज्यादा घमंड हुआ करता था। तभी एक दिन, अरे रचना, ये तेरी आंखों के ऊपर क्या लगा हुआ है? इधर आ, मैं देखती हूँ कहीं कोई बाल का टुकड़ा तो नहीं चिपका हुआ है। ओफो पूर्वी, तुझे तो फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो मैंने अपनी आंखों के ऊपर आई लेंसेस लगा रखी है, इससे हमारी पलकें और भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगती है। क्या आई लेंसेस? भला ऐसा भी कोई चीज होता है क्या? और तुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? तेरी पलकें तो पहले से ही इतनी सुंदर और बड़ी बड़ी है, और उल्टा ये तो बहुत अजीब लग रहा है, मानो जैसे तेरी पलकें कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए तेरी आंखों पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, तुझे क्या पता आजकल के ब्यूटी पार्लर में कितने तरह तरह के नए नए ब्यूटी आइटम्स आ गए हैं। तुझे तो बस वही घिसा पिटा मेकअप करना आता है। अच्छा, तो तूने शहर जाकर थोड़ा बहुत पार्लर का कोर्स क्या कर लिया? तुझे मुझसे ज्यादा मेकअप के बारे में पता चल गया है ना? और नहीं तो क्या, शहर जाकर मैंने हाई लेवल का ब्यूटीशियन का कोर्स किया है, इसलिए मुझे मेकअप के बारे में सारी नॉलेज है। और अब तो मैंने सोच भी लिया है कि मैं शहर जाकर अपना एक बहुत बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। क्या तू शहर जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलेगी? और नहीं तो क्या, वैसे भी इस गांव में रखा ही क्या है, तुझे तो पता है ना, वहाँ मेकअप करवाने वाले 5-5, 6-6 हजार रुपए देकर जाते हैं, और यहाँ के लोगों से तो 100 रुपए भी मांग लो वो भी इन लोगों पे भारी पड़ता है। क्या क्या तू सच कह रही है? 5-6 हजार रुपए? अरे इतने सारे पैसे तो मैं पूरे साल में भी नहीं कमा पाती हूँ। हाँ हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुझे ब्यूटी पार्लर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हाई लेवल के ब्यूटी पार्लर में जाना तुम जैसे गरीब लोगों के बस की बात तो नहीं होती है। वहाँ बस वही लोग आते हैं जो अमीर और पैसे वाले होते हैं। कोई बात नहीं रचना, मैंने भी तेरे जाने के बाद अपनी माँ से बहुत सारे आयुर्वेदिक मेकअप के नुस्खे सीखे हैं। तुझे पता है आयुर्वेदिक मेकअप की वजह से हम अपनी त्वचा और अपने बालों को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तुझे जानना है मेरी माँ ने मुझे क्या क्या सिखाया है? अरे रुको, मुझे तुम्हारी माँ के आयुर्वेदिक मेकअप के नुस्खे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे बाल और मेरी त्वचा पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है और वो हमेशा पूर्वी को अपनी बातों से उसकी गरीबी का एहसास दिलाया करती थी और अपने पैसों का घमंड दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन फिर रचना पूर्वी के घर आती है, उसी समय पूर्वी उससे कहती है, अरे रचना, तू एक बार फिर से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो तुझे बाद में पछताना पड़े। तुझे मेरे बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है और मेरे पिताजी ने भी शहर में मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने की सारी तैयारी कर ली है, तो बस देखती रहना, कुछ ही महीनों में मेरा ब्यूटी पार्लर शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर में से एक कहलाएगा। लेकिन तूने तो मेरे साथ यहाँ गाँव में रहकर ब्यूटी पार्लर खोलने का वादा किया था ना, फिर अब तू ये सब छोड़कर शहर कैसे जा सकती है? अरे तुझे क्या लगता है मैं तेरे लिए जिंदगी भर इसी गांव में बैठी रहूंगी? नहीं, मैं अपना ब्यूटी पार्लर का नाम बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ, जहाँ हर कोई सिर्फ मेरे ब्यूटी पार्लर की ही चर्चा करे। इसलिए अगर तुझे मेरे ब्यूटी पार्लर में अगर काम करना है तो तू आकर कर सकती है, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं, रहने दे रचना, मैं इस गाँव में ही ठीक हूँ, तू जा, तू शहर में जाकर अपने नए ब्यूटी पार्लर की शुरुआत कर, मैं यहाँ गाँव में अपना देख लूंगी। पूर्वी की ये बात सुनकर रचना मुस्कुराते हुए वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है और शहर में जाकर वो अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोलती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लग रहा था, और साथ ही साथ वे अपने ब्यूटी पार्लर में दो हेयर स्टाइलिस्ट भी रख लेती है, जिसकी वजह से वो अपने ब्यूटी पार्लर में आने वाले कस्टमर से बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज किया करती थी, और इस वजह से
रचना की अच्छी खासी कमाई हो रही थी और उसका ब्यूटी पार्लर भी शहर में अच्छे खासे लेवल पर चलने लगता है। लेकिन तभी एक दिन निमृता नाम की एक कस्टमर वहाँ पर आती है, जिसे देखकर रचना कहती है, अरे मैडम आप यहाँ, क्या आपको दोबारा से अपना फेशियल करवाना है? जस्ट शट अप, तुम्हारे इस घटिया ब्यूटी पार्लर में आकर मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। ये देखो, तुम्हारे कल के ब्लीच फेशियल की वजह से मेरे पूरे मुंह पर लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं। अब क्या कल मैं अपनी सगाई में ऐसा चेहरा लेकर जाऊंगी, बताओ? अरे मैडम आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? हम आपके चेहरे को अभी ठीक कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट करने की। एक तो एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट हम लोगों के चेहरे पर इस्तेमाल करती हो, ऊपर से मुझे सफाई दे रही हो। अब तुम देखना मैं तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर को कैसे रोड पर ले आती हूँ। जब सोशल मीडिया पर तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर की असलियत सबको पता चलेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा कि लोगों के चेहरों के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। इतना बोलकर वो लेडी सोशल मीडिया पर रचना के ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत ही ज्यादा गंदे कमेंट कर देती है, जिस वजह से अब रचना के ब्यूटी पार्लर में कस्टमर का आना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में रचना को अपना ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ता है। तभी एक दिन जब रचना फेसबुक पर निमृता की सगाई की फोटोज देखती है तो वो कहती है, अरे इसकी सगाई वाले दिन इसका चेहरा इतना सुंदर और खूबसूरत कैसे लग रहा है? एक दिन पहले तो इसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया था ना, फिर अचानक से इसका चेहरा ठीक कैसे हो गया? इस बात को जानने के लिए रचना जब निमृता को फोन करके इस बारे में पूछती है तो वो सच सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि निमृता जो पहले उसकी कस्टमर हुआ करती थी, आज वो किसी और की कस्टमर बन चुकी है। और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त पूर्वी होती है, जिसने गांव में ही अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो रचना के ब्यूटी पार्लर के जितना बड़ा तो नहीं था, पर फिर भी उसके ब्यूटी पार्लर के सामने कस्टमर की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि पूर्वी अपने माँ के सिखाए हुए आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से लोगों का बहुत ही सुंदर मेकअप किया करती थी, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम हुआ करती थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती थी, वो भी बहुत ही कम पैसों में। और इसी वजह से कुछ ही महीनों में पूर्वी का ब्यूटी पार्लर शहर तक मशहूर हो जाता है। और ये देखकर रचना का घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वो पूर्वी के ब्यूटी पार्लर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसी समय जब पूर्वी बाहर आती है तो कहती है, अरे रचना तू यहाँ, पर तू ऐसे बाहर क्यों खड़ी है? चल अंदर आ और बता कैसा चल रहा है तेरा नया ब्यूटी पार्लर। पूर्वी की ये बातें सुनकर रचना रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है, सब खत्म हो गया पूर्वी, और मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता चल चुका है ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए पैसा नहीं बल्कि हाथों में हुनर होना चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। पर आज मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो तूने सोचा था तूने वो कर दिखाया। ये सब मैंने अपने हुनर की वजह से नहीं बल्कि अपनी माँ के सिखाए हुए आयुर्वेदिक नुस्खों की वजह से हासिल किया है, इसलिए अब तू भी जल्दी से ये सारे नुस्खे सीख ले और लग जा मेरे साथ काम पर, हम दोनों मिलकर अपना ये ब्यूटी पार्लर गांव में ही चलाएंगे। इतना सुनकर पूर्वी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों सहेलियां मिलकर अपना आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू कर देती है। परी का दिया हुआ जादुई मिट्टी का घर। ताई जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ताई जी। नहीं, आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी, तभी तेरी अकल ठिकाने पर आएगी। इतना कहकर कोकिला अपनी देवरानी की बेटी आद्या को डंडे से जोर जोर से मार रही होती है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसी वक्त वहाँ पर उसकी देवरानी और उसकी सास कल्याणी आती है और कहती है, भाभी ये आप क्या कर रही हैं? क्यों मार रही हैं आप मेरी बच्ची को? आखिर इसने किया क्या है जो आप उसे इस तरह से मार रही हैं? अरे तेरी इस बेटी ने मेरी इतनी महंगी चॉकलेट खा ली, वो भी बिना मुझसे पूछे। अरे बहू तो इतनी सी बात के लिए इस मासूम बच्ची को इतना मारने की क्या जरूरत थी? आज तो अपना मुंह बंद ही रखिए। आपको पता है ना, इस घर का सारा खर्चा मेरे पति उठा रहे हैं,
इसलिए मुझ पर उंगली उठाने के बारे में सोचना भी मत, वरना आप लोगों का दाना पानी सब बंद करवा दूंगी। इतना कहकर कोकिला वहाँ से मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही कल्याणी अपनी पोती आद्या से कहती है, आद्या मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना बेटा। माँ जी आज अगर ये जिंदा होते तो हमें ये सब नहीं सहना होता। निर्मला के पति नरेश की मौत कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी महेश के कंधों पर आ जाती है और इसी वजह से कोकिला अपनी देवरानी निर्मला और अपनी सास कल्याणी पर अत्याचार किया करती थी। तभी एक दिन, अरे महेश बेटा ये क्या, तू अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था शहर से, अब फिर से वापस जाने की तैयारी कर रहा है। माँ अगर मैं बाहर कमाने नहीं जाऊँगा तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और ये लो निर्मला कुछ पैसे रख लो, आद्या बड़ी हो रही है इसलिए उसका स्कूल में एडमिशन करा देना, ठीक है। इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही कोकिला फटाफट से निर्मला के हाथ से पैसे छीन लेती है और कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती मेरे पति से पैसे लेते हुए। और इस तरह महेश जब भी निर्मला को उसकी बेटी के लिए कुछ पैसे दिया करता था तो कोकिला हमेशा निर्मला के सारे पैसे छीन लिया करती थी, जिसकी वजह से दोनों सास बहू को खेतों में साग उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या बहू, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हमारे खेत में साग बहुत ही कम उग रहे हैं। माँ जी मुझे लगता है कहीं कोई हमारे खेतों से साग चुरा कर तो नहीं ले जा रहा है। और इस तरह कल्याणी और निर्मला जिन खेतों में अपने साग उगाया करती थी वहाँ से साग अपने आप कम हो जाया करता था और इस बात को लेकर वे दोनों सास बहू हमेशा परेशान रहा करती थी। तभी एक दिन जब दोनों सास बहू साग बेचकर अपने घर वापस आती है, उसी वक्त कोकिला कहती है, आ गई दोनों महारानी, अरे इतना वक्त कहाँ लग गया था तुम लोगों को, समय देख रही हो क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ कब से भूखी बैठी हूँ, अब खाना कौन बनाएगा। माफ कर देना भाभी मैं अभी फटाफट से आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे रुक पहले ये बता तेरे हाथ में क्या है। कुछ नहीं भाभी वो तो बस। कुछ नहीं ला दिखा मुझे। इतना कहकर कोकिला निर्मला के हाथ में रखे कुछ पैसे उससे छीन लेती है और वह कहती है, अरे ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए, कहीं तूने मेरी अलमारी में से तो नहीं चुराए हैं ना। नहीं नहीं भाभी ये पैसे तो मैंने और माँ जी ने साग बेचकर कमाए हैं ताकि हम आद्या का स्कूल में एडमिशन करवा सके। प्लीज भाभी ये पैसे आप मुझे वापस दे दीजिए। अच्छा और ये जो मेरे पति की कमाई की रोटियां मुफ्त में तो रही हो इसकी भरपाई कौन करेगा, इसलिए अब ये पैसे तो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले हैं। बस करो बहू इन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है समझी तुम, इसलिए ये पैसे हमें वापस कर दो। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया, अब तू मुझ पर उंगली उठाएगी, रुक जा और तो तुम दोनों को तुम्हारी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी। इतना कहकर कोकिला निर्मला कल्याणी और उसकी बेटी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और कहती है, अब जा घर से बाहर सड़कों पर धक्के खाओगी ना तब तुम लोगों की अकल ठिकाने पर आएगी। भाभी ये आप क्या कह रही हैं भाभी, मेरी नहीं तो कम से कम माँ जी के बारे में तो सोचिए, वो इस उम्र में बाहर कैसे रह पाएंगी। और इस तरह कोकिला किसी की कोई भी बात नहीं सुनती है और उन लोगों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू आद्या को लिए रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकने लगती है। तभी वे लोग थक हार कर अपने साग के खेतों में जाकर बैठ जाती है। माँ जी अपना घर होते हुए भी आज हमें इस साग के खेतों में अपनी रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इस साग के खेतों के अलावा और है ही क्या। बहू मैं तो बस उस दिन को कोस रही हूँ जब मैंने कोकिला बहू को अपने घर की बड़ी बहू बनाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन ये अपना ऐसा रूप दिखाएगी, अब तो मुझे बस भगवान का ही सहारा है। इतना कहकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, अरे क्या हुआ आज आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। अरे ये किसकी आवाज है,
यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कौन हो तुम? निर्मला के इतना कहते ही उसके खेतों के बीचों बीच बने एक कुएं में से तीन छोटी छोटी सुंदर सी परियां बाहर निकलती है, जिसे देखकर ये दोनों सास बहू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे तुम लोग कौन हो और इस कुएं में क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उनमें से एक परी कहती है, अरे अरे आप लोग डरिए मत, हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम तो यहाँ पर आप लोगों की मदद करने आए हैं। लेकिन तुम लोग हो कौन? हम लोग परी लोग की छोटी सी दुनिया की तीन सुंदर परियां हैं, जो इस कुएं के अंदर कई सालों से रह रही हैं, और तुम्हारे खेतों में उग रहे इन हरे भरे सागों को खाकर ही हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे खेतों से ये जो साग गायब हो रहे थे वो तुम लोग खाती थी? हाँ, इसलिए तो हमें तुम्हारे खेतों की ये साग बहुत पसंद है। लेकिन आज आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो और इतनी रात में इस खेत में क्या कर रहे हो? उन परियों के इतना पूछने पर निर्मला और कल्याणी उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वे परियां कहती है, आप लोग चिंता मत करिए, हम है ना, हम लोग आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। इतना कहकर वे तीनों परियां अपनी जादुई छड़ी को एक साथ मिलाती है। वैसे ही उनकी जादुई छड़ी में से एक रोशनी बाहर निकलती है और देखते ही देखते वहाँ पर खेतों के मिट्टी से बना हुआ एक सुंदर सा घर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर वे दोनों सास बहू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या मिट्टी से बना हुआ घर, लेकिन हम इसके अंदर कैसे रह सकते हैं? चिंता मत करो निर्मला, ये कोई मामूली मिट्टी का घर नहीं है, बल्कि जादुई मिट्टी से बना हुआ घर है। इसके अंदर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और ना ही ये मिट्टी का घर कभी भी खराब होगा। और तुम इस मिट्टी के घर से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई मिट्टी का घर तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। क्या तुम लोग सच कह रही हो? तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना कहकर वे सब उस जादुई मिट्टी के बने हुए घर के अंदर जाती है, जो अंदर से दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और बड़ा होता है। और उस घर के अंदर उनकी सारी सुख सुविधाओं की चीजें पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को उस घर में किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है और वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। और अब जादुई मिट्टी के घर की मदद से निर्मला अपनी बेटी आद्या का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। सौतेली माँ और जादुई सैंडल का जादू। गंगापुर गांव में सिया नाम की एक लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा मामी की एक लड़की थी जिसका नाम रूही था। जहाँ रूही बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी, वही सिया एक बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की लड़की थी। सिया के मामा अक्सर काम के सिलसिले में शहर में ही रहा करते थे और इसी बात का फायदा उठाकर सिया की मामी विनीता उस पर हमेशा अत्याचार किया करती थी। वह सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे हमेशा अपने घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती थी और वही अपनी बेटी की सारी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा किया करती थी। लेकिन उसके मामा उसके ऊपर हो रहे इन सब अत्याचारों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि विनीता अरविंद के सामने हमेशा सिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी और उसके शहर जाते ही वह फिर से सिया के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन रूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे कल अपनी फ्रेंड अनन्या के बर्थडे पार्टी में जाना है, उसके लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस और कुछ ज्वेलरी चाहिए, इसलिए आप मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दीजिए। अरे रूही बेटा, अभी परसों ही तो तुमने मुझसे इतने सारे पैसे लिए थे और आज फिर तुम पैसे मांग रही हो? क्या मम्मी आप भी, अब आप भी मुझसे पापा की तरह पैसों का हिसाब लोगी? आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये लो और अच्छे से शॉपिंग करना। इतना कहकर
विनीता नोटों की गड्डी निकाल कर रूही को दे देती है, जहां रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं कमरे के बाहर सिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि विनीता ने सिया को पूरे साल में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए थे। वही वो अपनी बेटी को हर महीने शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे दिया करती थी, इसलिए सिया चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंखों में आंसू लिए कहती है, काश माँ पिताजी आप लोग जिंदा होते तो मुझे इस तरह मामी का अत्याचार नहीं सहना पड़ता और मुझे भी मेरी जरूरत की सारी चीजें मिल पाती जैसे रूही को मिलती है। मुझे पता है मामा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी इस हालत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकती, वरना मामी मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर देगी। सिया जब कमरे में बैठे ये बातें कर रही होती है, उसी समय उसके मामा उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अरे सिया क्या बात है, तुम ऐसे अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? अरे मामा जी आप यहाँ, लेकिन आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? सिया इस बार भी अपनी मामी के डर की वजह से अपने मामा को कुछ नहीं बताती है और कहती है, कुछ नहीं मामा जी, वो बस ऐसे ही माँ पिताजी की थोड़ी सी याद आ रही थी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी बाहर शॉपिंग करने चलेंगे। अपने मामा की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में मामा जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी बस तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर सिया फटाफट से तैयार होने चली जाती है और जब कुछ देर बाद वो अपने मामा के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है, उसी समय विनीता कहती है, अरे ऐसे सज धज कर कहाँ जा रही हो अपने मामा के साथ? दरअसल विनीता, मैं सिया को अपने साथ शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। वैसे भी बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची कहाँ अपनी जरूरतों को पूरा कर पाती है। अरे तो बिन माँ बाप की बच्ची है तो क्या हुआ, अब आप इस पर अपने सारे पैसे लुटाते फिरोगे? आपको पता है ना, अगले महीने ही रूही के कॉलेज की फीस भी भरनी है। विनीता तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी की जरूरत का ख्याल है, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। इतना बोलकर अरविंद सिया को लेकर शॉपिंग करने चला जाता है और वह सिया को उसके मन पसंद की सारी चीजें दिलवाता है और उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीदता है। ये सब देखकर सिया बहुत खुश हो जाती है और जब कुछ देर बाद वे लोग शॉपिंग करके घर वापस आते हैं, तो विनीता और रूही गुस्से में सोफे पर बैठी होती है। उनको देखकर सिया मन ही मन सोचती है, अरे मामी तो आज बहुत गुस्से में लग रही है, और अगर इन्होंने मेरे ये नए कपड़े देख लिए ना तो नहीं, इससे पहले मामी मेरे ये कपड़े देखे मैं इन्हें अपने कमरे में ले जाकर छुपा देती हूँ। इतना सोचकर सिया वो कपड़े ले जाकर अपने कमरे में छुपा देती है, तभी विनीता कहती है, आ गए अपनी प्यारी बेटी के ऊपर पैसा खर्च करके, तुम्हें तो उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है, भूलो मत तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है। विनीता तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अरे उस बेचारी को कितने साल हो गए, तुमने उसे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए, और अगर आज मैंने उसे कुछ कपड़े दिला दिए तो इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है। तुम भी तो हर महीने अपनी बेटी को शॉपिंग कराती हो ना। अरविंद की ये बात सुनकर विनीता मुंह बनाते हुए रूही को लेकर अपने कमरे में आ जाती है, जहां रूही अपनी माँ से कहती है, देख लिया ना माँ, पिताजी उस दो कौड़ी की नौकरानी सिया की बराबरी मुझसे कर रहे हैं। पता नहीं उस सिया की बच्ची ने पिताजी के ऊपर क्या जादू कर दिया है, जो वो हमेशा उसकी ही तरफदारी करते रहते हैं। चिंता मत कर मेरी बच्ची, बस एक बार अपने पिताजी को यहाँ से जाने दे, फिर मैं उस नौकरानी को उसकी असली औकात दिखाती हूँ। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके शहर जाते ही विनीता और रूही सिया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों री बहुत पढ़ निकल आए हैं तेरे, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? लेकिन मामी जी मैंने किया क्या है? देख रही हो मम्मी कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है। अरे मेरे पति ने तुझे जितने भी कपड़े दिलवाए हैं ना, सारे निकाल कर मुझे दे। लेकिन मामी वो कपड़े तो मामा जी ने मुझे दिलवाए हैं ना। अच्छा तो अब तेरी जवान भी चलने लगी है। अरे चुपचाप वो कपड़े लाकर मुझे दे दे, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपनी मामी की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा डर जाती है
और चुपचाप से सारे कपड़े निकालकर अपनी मामी को दे देती है, जिसके बाद विनीता वो सारे कपड़े रूही को दे देती है। ये सब देखकर सिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। और ऐसे ही अगले दिन जब सिया बाजार सब्जियां लेने जा रही होती है, उसी समय रूही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सिया का मजाक उड़ाने लगती है। अरे तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे घर की नौकरानी कौन है, तो देखो वो रही हमारे घर की नौकरानी। अरे रूही क्यों ना तेरी नौकरानी को मजा चखाया जाए, बहुत मजा आएगा। अरे क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भी इससे अपने कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। बहुत उड़ रही थी ना मेरे पिताजी के सामने। इतना कहकर रूही के दोस्त सिया का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ नौकरानी, मेरा दुपट्टा उस पेड़ के ऊपर फंस गया है, तो तुम जल्दी से उस पेड़ पर चढ़कर मेरा दुपट्टा निकाल दो। लेकिन मैं कैसे? अरे कैसे क्या, जल्दी जाओ और दुपट्टा निकाल कर दो, वरना मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना सुनकर सिया पेड़ पर चढ़ जाए और उसका दुपट्टा निकाल कर जब वो पेड़ से नीचे उतर रही होती है, तो अचानक से उस पेड़ की डाल में फंसकर उसकी ड्रेस फट जाती है। और ये देखकर रूही के सारे फ्रेंड सिया के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी। इसलिए जब वो रोते हुए घर वापस आने लगती है, उसी समय रास्ते में एक झोपड़ी में से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब सिया उस आवाज को सुनकर उस झोपड़ी के अंदर जाती है, तो वो देखती है एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटे लेटे दर्द से कराह रही होती है। और ये देखकर सिया उसके पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटी, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जाने से पहले मैं अपनी एक कीमती चीज किसी ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जो एक नेक और ईमानदार इंसान हो, उसके मन में किसी भी तरह का कोई लालच ना हो, और मुझे लगता है तुम वो इंसान हो। तो बेटी ये लो, ये एक जादुई सोने की सैंडल है जो मुझे एक महान गुरुजी ने दी थी, और आज मैं ये तुम्हें दे रही। तुम इस जादुई सैंडल को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी, तुम्हारी वो सारी इच्छाएं पूरी हो। इतना सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके उस जादुई सैंडल को लेकर घर आ जाती है। और अपने कमरे में जाकर जब वो उस सैंडल को पहनती है और कहती है, हे जादुई सैंडल, मेरे कपड़े फट गए हैं, तो क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकती हो? सिया के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं। और ये देखकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से सिया उस जादुई सैंडल की मदद से अपने सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी। ये सब देखकर विनीता और रूही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो सिया के पास जाकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी क्या बात है, आजकल तू बड़ी खुश रहने लग गई है, और तेरे पास इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से आए, कहीं तूने मेरी अलमारी में से पैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं मामी, मैं क्यों आपकी अलमारी में से पैसे चुराऊंगी, और वैसे भी अब मुझे किसी से भी पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सिया की ये बात सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जैसे ही सिया को मारने जाती है, तो उसकी जादुई सैंडल में से एक रोशनी निकलती है और उन दोनों माँ बेटी को बिजली का जोरदार झटका लगना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। और उस दिन के बाद से वे लोग सिया को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, और सिया भी उस जादुई सैंडल की मदद से खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई आठ लहंगों वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है, जंगल से सटा एक गांव था, जहां रामू नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। रामू की पत्नी सुमित्रा बहुत ही समझदार महिला थी। उस गांव के सभी लोग बहुत ही गरीब थे, वहां कमाई का एकमात्र जरिया खेती ही था। लेकिन रामू के पास जमीन नहीं होने की वजह से वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करता था। रामू की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। गांव में किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं होने के बावजूद भी गांव के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक बार गांव में शहर से एक बड़ा सेठ अपनी पत्नी के साथ उस गांव में आता है। देखिए,
हम लोग शहर से आप लोगों के लिए ही आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोगों की तरह अच्छा खाए, अच्छा पहने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि बड़े होकर आपके बच्चे भी कुछ बने और आगे बढ़े। लगता है ये हमारे गांव में स्कूल खोलने वाले हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आपका गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पर कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ शहर चले, वहाँ आपको रहने और खाने की सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए। अरे हम भला इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये गांव तो हमारी जन्म भूमि है, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है और एक दिन इसी गांव की मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ हाँ, हम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपकी ये शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी, हम ऐसे ही खुश हैं। अरे आप लोग तो नाराज ही हो गए, हम तो बस आपके भलाई के लिए ही कह रहे थे। अब आप लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ही आपके साथ यहाँ कुछ दिन और रुककर गांव का ही मजा ले लेते हैं। इतना बोलकर सेठ और सेठानी कुछ दिनों के लिए उसी गांव में रुक जाते हैं। लगता है ये गांव के लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब तो कुछ दूसरा उपाय ही करना पड़ेगा। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, अगर गांव वालों ने ये जमीन खाली नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मैंने आर रावत से इसके एडवांस पैसे भी ले लिए हैं और उन्होंने सिर्फ मुझे एक महीने का ही मोहलत दिया है इस जमीन को खाली करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ बहुत ही कीमती हैं और वो यहाँ पर अपने फर्नीचर की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। आप चिंता मत करिए जी, मैं इस बेवकूफ गांव वालों को ऐसा बेवकूफ बनाऊंगी कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर हम यहाँ किस लिए आए हैं। उसके बाद सेठानी देखती है कि गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे, तो वो उनके बच्चों को इम्प्रेस करने में लग जाती है। अरे राधा बेटी, इधर आओ, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखी। वाव, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैं तो तुम सबको और भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ। सुनो सारे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम सभी को देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद सेठानी गांव के सभी बच्चों को सुंदर सुंदर फ्रॉक और चॉकलेट देती है। ये सब पाकर सभी बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं है, शहर में तो इससे भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, जैसे खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और पहनने के लिए खूब सारे रंग बिरंगे कपड़े। लेकिन क्या फायदा, तुम लोगों के मम्मी पापा तो कभी शहर में जाएंगे ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम सबको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें लाकर देती रहूँगी। राधा भी फ्रॉक और चॉकलेट लेकर खुशी खुशी अपने घर आती है। राधा के हाथ में इतना सुंदर फ्रॉक और चॉकलेट देखकर रामू कहता है, राधा बेटी ये सब क्या है, कहाँ से लेकर आई हो ये सब? वो शहर वाली सेठानी जी ने दिया है, वो तो बहुत अच्छी है बाबा, वो सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई है शहर से। बाबा, सेठानी जी बता रही थी कि शहर बहुत ही सुंदर है, इस गांव में कुछ नहीं रखा। बाबा प्लीज आप उनकी बात मान जाओ ना, ले चलो ना हमें शहर, हमें भी शहर देखना है। हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर हमारे बच्चे इसी में खुश हैं तो यही सही। क्या इसका मतलब आप शहर जाने के लिए मान गए? बाबा आप बहुत ही अच्छे हो। मुझे तो ये सेठ और सेठानी बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं जी, आप इन पर भरोसा करने की गलती मत करिएगा।
मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओहो सुमित्रा, तुम तो हर एक चीज सक्की निगाहों से देखती हो। अगर वो इतनी बुरी होती तो हमारे गांव के बच्चों के लिए इतना सब क्यों करती? अब तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। सुमित्रा अपने कामों में लग जाती है। एक बार सुमित्रा खेत से रामू को खाना देकर घर वापस आ रही थी, तभी वह देखती है कि एक पेड़ के पास बैठकर सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा? ये गांव के लोग इतने सीधे तरीके से नहीं मानने वाले हैं। हमें अब कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका? कल मैं गांव के सभी बच्चों को चॉकलेट में जहरीली दवाई मिलाकर खिला दूंगी, जिसे खाकर सभी बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। पर ऐसे में तो बच्चों की जान भी जा सकती है। अगर ऐसे में एक आधे बच्चे की जान जाती भी है तो चली जाए मेरी बला से। उसके बाद तो ये गांव वाले बाकी बचे हुए बच्चों के इलाज के लिए तो शहर जाने को तैयार हो ही जाएंगे ना। तब मैं उनसे उनके इलाज के बदले उनकी सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगी। अरे वाह, मान गए, क्या दिमाग लगाया है। राधा की माँ सुमित्रा दूर खड़ी ये सब सुन लेती है। खूनी दरिंदे, मैं तुम दोनों को इस मनसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अभी गांव में जाकर तुम्हारे इन घटिया हरकतों के बारे में सबको बताती हूँ। तभी सेठानी सुमित्रा को कसकर पकड़ लेती है। अरे इतनी आसानी से कैसे चली जाओगी तुम? अब तो तुम यहाँ से सीधा स्वर्ग ही जाओगी। उसके बाद दोनों मिलकर उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। इसे यहीं छोड़ दो, बेचारी मरते मरते किसी जानवर के भूख के काम तो आ ही जाएगी। उसके बाद दोनों सेठ सेठानी वहाँ से चले जाते हैं और गांव में आकर अपने प्लान के मुताबिक सभी बच्चों को वो जहरीली चॉकलेट बांटने लगते हैं। इधर गंगा पेड़ से बंधी बेबस होकर रो रही थी। हे भगवान, हमारे गांव के मासूम बच्चों को इन दरिंदों से बचा लो। हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। सुमित्रा रो रही होती है तभी पेड़ बोल पड़ता है। चुप हो जाओ सुमित्रा। कौन है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पेड़ जी, कृपया करके आप मुझे यहाँ से किसी तरह से आजाद कर दीजिए, वरना वे लोग हमारे गांव के मासूम बच्चों को मार डालेंगे। मुझे जाने दीजिए पेड़ जी। सुमित्रा, वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगी। ये लो, ये 8 जादुई लहंगा है। इसका हर एक लहंगा जादुई है और वो तुम्हारे इस नेक काम में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हाँ, ये एक लहंगा तुम्हारी एक बार ही मदद कर पाएगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। सुमित्रा पेड़ का धन्यवाद कर उनसे वो जादुई 8 लहंगा ले लेती है और सबसे पहले लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, मुझे जल्दी से मेरे गाँव पहुँचा दो। सुमित्रा के इतना बोलते ही वो गाँव में आ जाती है, लेकिन तब तक काफी बच्चों ने उसके दिए हुए चॉकलेट खा चुके होते हैं। मुखिया जी, ये लोग बहुत ही लालची और मक्कार लोग हैं। इसने हमारे भोले वाले बच्चों को दवाई खिला दी है। सुमित्रा, तुम ये क्या कह रही हो? सुमित्रा के मुंह से ये सुनते ही सेठ और सेठानी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सुमित्रा अपने दूसरे लहंगे से कहती है, ये जादुई लहंगा, इन दोनों दुष्ट को उसके किए की सजा दो। सुमित्रा के इतना कहते ही लहंगे में से एक जादू होता है और उनका कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और उन दोनों सेठ सेठानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सुमित्रा देखो ना, हमारी राधा को क्या हुआ, वो आंखें नहीं खोल रही है। राधा बेटा, इस तरह से जिन जिन लोगों के बच्चों ने चॉकलेट खाया था वे सारे बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे थे। गंगा ये सब देखकर अपने तीसरे लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, हमारे गांव के सभी बच्चों को ठीक कर दो। सुमित्रा के इतना कहते ही सभी बच्चे पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। फिर मुखिया जी समेत गांव के सभी लोग सुमित्रा का धन्यवाद करते हैं। मुखिया जी, आप लोग मेरा धन्यवाद नहीं बल्कि जादुई पेड़ के जादुई 8 लहंगों का धन्यवाद कीजिए, इन्हीं की वजह से ये सब हो पाया है। सभी लोग उन लहंगों का धन्यवाद करते हैं। अभी भी पेड़ का जादुई 5 लहंगा बचा हुआ था। गंगा उन हरेक लहंगे से अपने गांव के लोगों के लिए जरूरत की सारी चीजें मांगती है। वो चौथे लहंगे से गांव में स्कूल बनवाती है
और पांचवे लहंगे से हॉस्पिटल बनवाती है। छठे लहंगे से गांव में सभी के लिए अच्छा अच्छा घर मांगती है और सातवें और आठवें लहंगे से खूब सारे पैसे मांगती है। उसके बाद आठों के आठों लहंगे गायब हो जाते हैं और सभी गांव वाले अब खुशी खुशी अपने ही गांव में रहने लगते हैं।